JKP please. JKP please. JKP please. JKP please. JKP please. जोर लाओ थोड़ा. JKP please. JKP please. JKP please. Jai Hind. काबल सौ एडे बड़े देश वास्तव दिन रात काम चल रहा मेरे भाई चुनिया लिया वहां पे नहीं टेबल कुंजवानी नरवाल बाईपास राहुल जी साढ़े उपस्थित ने और उन्दे कन्ने साढ़े अखनूर के DSP मोहन लाल जी भी साढ़े उपस्थित ने और साढ़े इतने लोकल SHO जोगिंदर जी उपस्थित ने और जिंदी अध्यक्षता अज का कार्यक्रम होया करता है साढ़े बाबा चंचल जी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के वाइस प्रेजिडेंट और इतों की सारी जनता और मैं बाबा चंचल हुंदे अगे रिक्वेस्ट करूंगी अज अगे दा कार्यक्रम शुरू करन बाबा चंचल जी अज दी जिहड़ी मीटिंग है ये मीटिंग है नशे दा खिलाफ कोई भी जिहड़ा लोग गलत काम करने वाले लोग उंदे बारे च चर्चा होनी है भाई कोई भी गलत कदम नहीं उठा कोई गलत काम नहीं करै कोई नशा नहीं करै और असें JKP पुलिस का पूरा साथ देना चाहिए था। अगर मैं पहले भी एक जम्मू दा विच एक संदेश दिता हाँ भाई अगर साड़ी वेल्थ फोर्स के जवान JKP पुलिस के जवान दिन रात साढ़े वास्ते काम करा कर दे तो अस चैन की नींद सौने अपना काम करने अपने घर का काम काज चलाने और JKP पुलिस की बड़ी बड़ी देन है और ये कन्ने कन्ने मैं आखना चाहना भाई अगर अस 140 करोड़ लोग हाँ तो असें सारे लोगों मिली है अपनी वेल्थ फोर्स का साथ देना चाहिए तरक्की कर सके और जेडे देश का खिलाफ चलने वाले लोग नशे का खिलाफ नशा करने वाले लोग नशा बेचने वाले लोग ऐसे लोगों की JKP पुलिस पकड़ी सके उन्हें सजा दे सके तो अपने नौजवानों की जरा बचाया जा जवान भारत की शान अज जो साढ़े जवान ने अगर वह नशे की लैंड पर चली पे तो मेरी मेहनत है साढ़े जवान ने जोड़े वो दिनों दिन कमजोर होते जाएंगे और साड़ा भारत है जोड़ा वो कमजोर हो जाएगा जवान ने जोड़े अज दिन रात वेल्थ फोर्स का जवान बार्डर पर सिविल में JKP पुलिस दिन रात ड्यूटी दिया कर रही है तो सारा देश है जोड़ा वो तरक्की करा करता
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक संदेश है भाई, असें देश भी अच्छा बनाना और देश भी देश का कन्या अगर वधिया चलना, देश वास्ते जीना, देश वास्ते मरना, तो असें अपनी फोर्स का साथ देना होग। जिन्हें भी नौजवान इतने बैठे हैं, मेरे भैन भरा, मैं सारे अगर अपील करना, कोई भी अगर कोई बुरा इंसान नज़र आता, देश द्रोही नज़र आता, कोई ओपरा आदमी साढ़े ग्रां च कोई बसेरा बनाता, कुछ का घर रहा, जो कोई नशे का काम करता, तो असें फौरन जेके पी पुलिस की जरा सुनाना चाहिए। धन्यवाद। उन्हें अज एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, मुद्दे उन्दे जे चुके ने नशा के बारे च बड़े अच्छे अज के करंट इवेंट सब तो ज्यादा अगर मुद्दा है इस चीज़ का कि अपनी आने वाली जनरेशन की अस इस चीज़ को दूर क्यों रखिए। ये याद है काफ़ी साल पहले जिससे अस लोग पढ़ते होंगे तो उस स्कूलें साढ़े पेरेंट्स की इस चीज़ का शिकायत है, इससे डर नहीं होंगे कि भाई साढ़े बच्चे यू आखते कि पढ़ लिया करो, लूर लूर घूमो नहीं, अगर फिल्मा देखने जाओ वो नहीं करो। अज मैं कहना पेरेंट्स की मेन जो प्रॉब्लम यू आ रही कि बच्चा स्कूल जा रहा है, दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं पढ़ा रहा, फिर संगत जी पढ़ा कुछ पता नहीं बच्चा ठीक है पढ़ाई, अगर जी एक संगत ऐसी पाई होती कि बच्चे पता चलता नहीं है, ऐसे वो स्टार्ट करता कि मैं करा कि कुछ लगता असं इं थोड़ा बहुत फिल्मा देखी अगर पिछले थोड़ा मैं स्कूल लग रहा, लेकिन आस्ते आस्ते इस चीज़ में शामिल हो जाता। उसके बाद पेरेंट्स की नहीं लगता पता, और दूजी गलती पेरेंट्स की खाली यही होती कि बच्चा थोड़ा काम करा रहा होता, उस वे वो उसे इग्नोर करते, उन्हें लगता है पता कि बच्चा थोड़ा चेंज होता, थोड़े कला कला बैठता है, इन्ना मिक्सअप नहीं होता, पढ़ाई भी अच्छा नहीं जाता, लेकिन आस्ते आस्ते पेरेंट्स जोड़े है ना उस इग्नोर करते उस लैवल तक जिससे गल हथों निकली जाती, फिर कदम पुलिस पढ़ती है, साढ़े अफसर जो पढ़ते हैं जो सू फोन करते सर 4 ग्राम 5 ग्राम पकड़ा चुका, पूछना है किन्नी उम्र है जी, कॉलेज गई है उसके करके उसे ना बार बार सीख जो भी वार्न किया नहीं सुधर है, अब तीजी बारी करा रहा पकड़ना पौधा परचा लगी है बड़ी प्रॉब्लम करने इनके कहीं जुड़े रहे, बाकी इनके यंग वॉलंटियर्स हैं ये भी उस चीज़ का ध्यान रखें, कोई ऐसा बंदा करता है आप उससे बिच हथ पाने की जरूरत नहीं, गलमा फड़ने की जरूरत नहीं, कोई लॉ एंड आर्डर अपने हथ लाने की जरूरत नहीं, तुझे खाली सू फोन करिए या फोन तुम फोटो खिंच सकते हो, अजकल सैल्फी जमाना हर बंदा फोटो खिंचा, एक बंदा जो मोटरसाइकिल बेचा रहा उसकी फोटो खिंची ओड़ो कि जनाब ये मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल नंबर पर अस फाइंड कर लगे पुलिस और पब्लिक के बीच में एक इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होती है, पर हम लोग पब्लिक के पास कुछ जाके जाते हैं, पूरे एरियाज में हम कोशिश करेंगे कि दूर दराज के एरिया हम जाएं, वहाँ की पब्लिक से उनके मुद्दे पूछें, जो एक नेचुरल सी हेजिटेशन होती है लोगों को पुलिस के नज़दीक जाते हुए या उनसे बात करते हुए, वो हेजिटेशन दूर हो, हमें भी पता चले कि हमारे यहाँ एरियाज़ में लॉ एंड आर्डर को छोड़ के बाकी और कौन से मुद्दे पब्लिक के लिए काफ़ी ज़रूरी है और हम उनको अपने आला कमान अफसर तक पहुंचा सकें। तो इस चीज़ इस कड़ी को जुड़ते हुए हमने अलग अलग जगहों पे पब्लिक मीटिंग्स की हैं अपने पूरे जोन रूलर में, तो उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हमने यहाँ ग्रोटा के इस बलवाल एरिया में एक पब्लिक मीटिंग की है। इसमें एक साथ साथ हमें ये देखने को मिला कि यहाँ के लोग, यहाँ की जो यूथ है वो इस चीज़ के लिए बड़ा कीन है कि वो खुद के अपने पैरों पर खड़ा रहे, अपना बिज़नेस कोई कंसर्न खोलें, ताकि वो सरकार को नौकरी के पीछे पढ़े लिखे युवक सिर्फ वेट ना करते हैं सिर्फ एक नौकरी लेने के लिए, और उसी दौरान अगर वो पढ़े लिखे हैं एजुकेटेड हैं तो वो अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट कर पाएँ और इसके साथ साथ ही वो 4-5 लोग और लोगों को रोज़गार जोड़ पाएँ। ये चीज़ और बाकी नशा के बारे में इन लोगों से मैंने इनपुट लिया, बाकी जम्मू के मुकाबले में यहाँ की हालत थोड़ा सा मैं काफ़ी बेहतर मानता हूँ, इस मामले में लोग सजग हैं, और इसके साथ ही टीनेंट के बारे में जो बाहर से लोग यहाँ पे आके बसते हैं उनके बारे में हम थोड़ा हमने उनको सजग करवाया कि उनके बारे में कोई सूचना ऐसे ही है तो हमें तुरंत प्रदान की जाए। तो आज की मीटिंग काफ़ी अच्छी रही, मैं ये चाहूँगा कि ये ऐसी मीटिंग का सिलसिला ही दौर हम बाकी जगहों पर भी आने वाले टाइम में करते रहें। धन्यवाद। तो युवा सर आजकल नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है?
उनसे पहले मेरा संदेश उनके पेरेंट्स के लिए गया कि वो अपनी पेरेंटल रिस्पांसिबिलिटीज़ को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि पेरेंट्स वर्किंग हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को फ़ोन दे दो और ये तक ना देखो कि फ़ोन पे क्या ब्राउज़ कर रहा है, वो किन स्कूल में जाता है, वापस आता है, किन कौन से उसके दोस्त हैं जिसके उठना बैठना है। अगर उस व्यवहार में कोई परिवर्तन नज़र आता है तो पेरेंट्स को चाहिए उससे पहले बात करें। पेरेंट्स सबसे फर्स्ट काउंसलर होते हैं बच्चे के, उसके बाद बाकियों का काम आता है। पुलिस का जो काम है, हमारा काम प्रिवेंटिव मेजर्स है, हम पूरी उसके जान शोध से कर रहे हैं। हमारी जो टीम रूलर जो अखनूर सब डिवीजन SDPO साहब हैं, ये खुद इस चीज़ के लिए बड़े सजग हैं। इस एक साल चार महीने में हमारे रूरल जोन में 55 पर्चे 55 FIRs रजिस्टर्ड हुए हैं सिर्फ NDPS में, और 4 PSA इन्होंने इनिशिएट किए हैं सब डिवीजन अखनूर से, जिसमें 2 PSA खास तौर पे जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ पिट NDPS लगवाए गए हैं। तो ये हमारा जो एक लड़ाई है ये जारी रहेगी। ये मैं आपकी अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ। थैंक यू।